प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो बच्चों। आपने बुनियाद 2024 से 26 का पेपर दिया है अभी लेवल वन का। तो आज की वीडियो में हम उसका सलूशन करेंगे जो पेपर आया है बुनियाद में लेवल वन का। तो उसका पूरा सलूशन के साथ आपको आंसर बताए जाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। बुनियाद का पेपर आया बच्चों, इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो इसमें जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 840 अंकित है, यानी एक वस्तु 840 रुपए उसके ऊपर रेट लिखा है और वो दुकानदार ने 714 रुपए में बेच दी, तो वो कितने परसेंट की उसने छूट दी है? तो ये देखिए बच्चों, आपके पास इसका आंसर आपके पास ये है, अंकित मूल्य जैसे 840 रुपए और 714 रुपए की छूट होगी तो आपके पास 126 रुपए उसने छोड़े हैं, यानी छूट है 126। तो लेकिन हमने प्रतिशत में निकालना है, तो जितनी छूट है 126 उसको 840 से भाग देना है और 100 से गुणा करना है, तो 15% की आ जाएगी। तो आपके पास इसमें जो बी पार्ट है वो 15%, ये आपका आंसर है, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत 15,500 रुपए थी और उसकी मरम्मत पे उसने 500 रुपए और लगा दिए, यानी 15,500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 500 रुपए उसके ऊपर और लगा दिए, तो उसे 15% लाभ लेने के लिए कितने पे बेचेगा? विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है? तो लागत मूल्य उसका हो गया 15,500, ये 500 और ये 16,000 रुपए उसका क्रय मूल्य बन गया एक तरह से, ठीक है? लाभ 15% लेना है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास, ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, ये वस्तु की कीमत है, ये मरम्मत का खर्च 500 रुपए, कुल कीमत 16,000 रुपए में उसको पड़े है वस्तु, और लाभ आ जाएगा आपके पास 15%। तो लाभ यानी 16,000 रुपए का 15% निकालना, 2,400 रुपए का उसने लाभ लेना है, तो 2,400 रुपए का लाभ लेने के लिए उसको 16,000 प्लस 2,400 यानी 18,400 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके पास 18,400 रुपए का सी आपके पास ऑप्शन है, दूसरे का सी आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो वह 4 दिनों में कितना काम करेगा, ठीक है? तो इसका आंसर देखें, ये है 20 दिनों में कार्य करता है एक, 20 दिन में एक काम करता है, एक दिन में 1/20 काम करेगा, और 4 दिन में 1/20 गुना 4 करेंगे, काट के 1/5 काम आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1/5। तो इसमें जो 1/5 वाला ऑप्शन है ये सही है, ए, ठीक है? फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपके पास, रोहन 6 दिनों में एक पेंटिंग 1/3 भाग बना लेता है, 6 दिनों में एक पेंटिंग 1/3 भाग बनाता है, तो पेंटिंग बनाने में कितने लगेंगे? 3 गुना यानी 6 × 3 18 दिन लगेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप यहां से कर सकते हो, 1/3 भाग करता है 6 दिन में, और एक भाग करेगा 6/ ये आ जाता है, तो 3 ऊपर जाएगा गुणा में, 6 × 3/1 18 दिन में हो जाएगा, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन थे आपके हो चुके हैं। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है? तो ए अकेला 1/5 काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ठीक? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये है देखिए, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 20 दिन में, ए और बी का एक दिन का काम निकालना हमने, तो 1/20 हो जाता है काम, ठीक है? फिर उसके बाद आएगा ए का एक दिन का काम आएगा 1/5 × 12, क्योंकि ए जो है एक काम का कितना है, ये क्वेश्चन में देखिए, यानी ए अकेला 1/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम आएगा 5 × 12
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/60, यानी एक दिन में वो एक काम का 1/60 भाग अकेला करता है। ठीक है, तो बी का एक दिन का काम हम निकालेंगे, क्योंकि ये 1/20 तो है दोनों का एक दिन का काम। ठीक है, जब दो मिलके करेंगे तो एक काम का 1/20 भाग वो एक दिन में कर लेते हैं, लेकिन ये अकेला 1/60 भाग करता है, तो बी अकेला करेगा 1/20 में से 1/60 को घटाएंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 1, यानी 2/60, और 2/60 आ जाएगा 1/30, इसको काट देते हैं 2 × 1 = 2 = 30 पे, तो ये बी अकेला 30 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, तो 30 दिन इसका आंसर आएगा बच्चों पांचवे का, तो ये 30 दिन आपका आंसर है। ठीक, फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है, तीन व्यक्तियों की औसत उम्र 60 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात ये है 2, 3, 4, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र में कितना अंतर है। तो इसमें 40 आंसर आया है, तो देख लेते हैं इसका छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, तीन व्यक्तियों की कुल आयु, या क्योंकि औसत आयु 60 साल है, तो तीनों की आ जाएगी 60 + 60 + 60, यानी 60 × 3 = 180 साल तीनों की उम्र मिला के है। ठीक है, और इनकी आयु में अनुपात है 2, 3, 4 का, तो सबसे कम आयु का व्यक्ति ये होगा, सबसे ज्यादा का ये, तो सबसे कम व्यक्ति की आयु निकालनी हमने, तो 2 / इन सब का टोटल 2 और 3 5 और 4 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/9 × 180, तो 40 साल का सबसे छोटा आदमी है। ऐसे ही सबसे बड़े की निकालनी 4/9 × 180, 80 साल, तो दोनों में अंतर आ जाएगा 80 - 40 = 40 साल, 40 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर सातवां क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, ए और बी एक इमारत को के फर्श को 25 दिनों में चमका देते हैं, यानी पॉलिश वगैरह करते होंगे वो, फर्श पे रगड़ाई वगैरह करते हैं। जैसे ए अकेला 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में पूरे फर्श को चमकाएगा अगर बी अकेला काम करे। ठीक है, तो इसका है 56 + 1/4 दिन में आंसर है, तो इसका आंसर देख लो आप, ये सातवें का आंसर है आपके पास। तो ए और बी दोनों ए का एक दिन का काम है 1/25, क्योंकि दोनों 25 दिन में करते हैं, और एक दिन में करते हैं 1/25। ए का एक दिन का कार्य है 1/3 × 15, क्योंकि वो 15 दिन में 1/3 भाग करता है। ठीक है, तो एक दिन में वो 1/45 भाग करेगा। बी का एक दिन का कार्य है 1/25 में से 1/45 घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों का है, दोनों में से एक का घटाएंगे तो दूसरे का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/225 एक दिन में करता है वो काम, और वो काम पूरा करने में कितना टाइम लेगा, 225/4। बी अकेला काम करेगा 225/4, इसको 4 से जब भाग देंगे तो 56 + 1/4 दिन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन चलते हैं, आठवां क्वेश्चन है, आठवें में देखिए, निम्नलिखित आवर्त वितरण तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सभी ने कर लिया होगा शायद। तो इसमें कहा है कि वर्ग अंतराल 20 से 25 और 30 से 35 की आवर्तियों में अंतर, जो वर्ग अंतराल 20 से 25 वाला है, 20 से 25 वाला है 20, और 30 से 35 वाला भी 20, तो इन दोनों में अंतर 20 - 20 = 0, तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। और ये आपको कर भी रखा है, देखिए 20 से 25 का 20 है और इसका भी 20 है, दोनों में अंतर 0। ठीक है, तो फिर आगे आपके पास आठवां क्वेश्चन हो गए, नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नौवें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 9 लड़कियां 3 घंटे में 135 माला तैयार करती हैं, यानी 9 लड़कियां हैं और 3 घंटे अगर वो काम करती हैं 9 लड़कियां, तो 135 माला तैयार कर लेती हैं।
तो एक घंटे में 270 माला तैयार करनी है हमने, तो ऑर्डर आया कि एक घंटे में 270 माला बनानी, तो कितनी लड़कियां लगे लगानी पड़ेंगी, तो वो 54 लड़कियां होंगी बच्चों, कितनी लड़कियां, तो इसका आंसर देखो 54 कैसे आया, देखो 135 माला 3 घंटे में बनाती है 9 लड़कियां, ठीक है, और 135 माला 1 घंटे में अगर बनानी है तो ज्यादा लड़कियां चाहिए, तो 3 × 9 27 लड़कियां चाहिए, और अगर एक माला 1 घंटे में बनानी है तो हमें कम लड़कियां चाहिए, क्योंकि एक ही माला बनानी तो 135 नीचे डिवाइड में चला जाएगा 27/135। अब हमने निकालना है 370 माला बनानी 1 घंटे में बनानी तो कितनी लड़कियां होंगी, तो ये 270 इसके गुणा हो जाएंगी, तो 27/135 × 270 135 × 270 होते हैं 2 पे, और 27 × 54 लड़कियां लगेंगी, तो आपके पास ये काम हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन है आपके पास, अनिल एक काम को 5 दिनों में और अंकुर 4 दिनों में कर सकता है, उन्हें वही कार्य करने में कितना समय लगेगा यदि वे एक साथ काम करें, तो दोनों का एक साथ मिलके कितने दिन में वो काम कर लेंगे, तो ये है 2 सही 2/9 दिन, ए भाग आपका आंसर है बच्चों। इसका आंसर देखो 10वें का, ये देखिए अनिल का एक दिन का काम 1/5, जब भी काम निकालते हैं ना एक दिन का, तो जितने दिन में वो कर सकता है उसको 1/1 में करते हैं, ठीक है। अंकुर का एक दिन का काम 1/4, दोनों का एक दिन का काम 1/5 + 1/4, दोनों का एलसीएम लेंगे 5 × 20 एलसीएम, तो यहाँ पे 5 × 20 4 ऊपर आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा 9/20, 9/20 एक दिन का काम है इनका, लेकिन हमने निकालने हैं दिन, तो वो दोनों मिलके काम करेंगे 20/9 दिन में, 20 को जब 9 से भाग देंगे तो 2 सही 2/9 दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आपके पास है 11वां क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसमें आंसर 416 आएगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे आया, 416 कुल विद्यार्थी निकालने थे, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 8:5, लड़कियों की संख्या 160 है, ठीक है, तो लड़कों की संख्या निकालनी है हमने, तो लड़कों की संख्या आएगी बच्चों 8 × 160/5, क्योंकि ये लड़कों का अनुपात है 8/5 × 160, 256 लड़के आ जाएंगे और टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे 160 × 256, क्योंकि लड़कियां जमा लड़के 416 आंसर, ठीक है। फिर आपके पास 12वां क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात है 3:8 और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 हो गया, तो ए की अब की वर्तमान आयु निकालनी, तो 18 साल इसका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। 18 साल कैसे आया देख लीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु 3x और 8x मान ली, क्योंकि इनका अनुपात है 3:8, ठीक, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी बच्चों, इनमें 6-6 साल जुड़ जाएंगे, ठीक, और वो कह रहा है कि इनका अनुपात 4:9 हो जाएगा 6 साल बाद, तो ये इनका अनुपात निकाल लेंगे 3x + 6 8x + 6 = 4/9, तो इनको आर पार गुणा करेंगे, 9 को इन दोनों से गुणा करेंगे, 4 को इन से गुणा करेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी हमने, x है गया 6, ठीक, तो हम क्या करेंगे वर्तमान आयु निकालनी है, तो वह ए की वर्तमान आयु होगी 3 × 6 8 × 6 3 × 6 18 साल, तो ए और बी की वर्तमान आयु होगी 18 और 48, लेकिन उसने आंसर में पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 18 साल, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फिर आपके पास है 13वां प्रश्न है बच्चों, 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं,
यदि दो आदमी और जुड़ जाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, यानी 8 आदमी तो काम कर रहे हैं 40 दिन में, तो 2 और हो गए यानी 10 आदमी हो गए। अब तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो कम दिन लेंगे और, तो ये देख लेते हैं 32 दिन आया आंसर वैसे इसका। तो ये आंसर कैसे आया ये देख लीजिए, 13वां क्वेश्चन है। 8 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, एक आदमी ज्यादा दिन लेगा तो 8 × 40, ठीक, और 10 आदमी कितने करेंगे, कम दिन में करेंगे, तो इसलिए 10 नीचे चला गया, तो 0 से 0 कैंसल, 8 × 32, 32 दिन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन है आपके पास। 15 गायें एक खेत को 12 दिन में चर लेती हैं। ठीक है, 45 गायें एक खेत को 12 दिन में चर लेती हैं, तो उसी खेत में 9 दिनों में कितनी गायें चर लेंगी, यानी अगर वो खेत 9 दिन में खत्म करना है हमने तो कितनी गायें उसमें छोड़ें, तो ये 60 गायें इसका आंसर है बच्चों। तो लेकिन ये कैसे आया ये देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन है। 12 दिन में खेत चरती हैं 45 गायें, एक गाय खेत को ज्यादा दिन में चरेगी 45 × 12, और 9 दिन में चरने हैं तो ये बटे 9 हो जाएगा, तो आपके पास 60 गायें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, 60 गायें, तो आपके पास कितनी गायें आ गई, 60 गायें 9 दिन में चर लेंगी। तो फिर आगे देखिए आपके पास, जल्दी से कर लेते हैं। 15 श्रमिक को एक कार्य पूरा करने में 4 घंटे लगते हैं, यानी 15 श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो 4 घंटे में काम को कर देते हैं, तो ये 12 श्रमिक 4 घंटे में करते हैं, तो 15 श्रमिक कितना समय लगाएंगे, तो 15 श्रमिक कम समय लगाएंगे, यानी 4 से कम लगेगा, 3 घंटे 12 मिनट में वो पूरा कर देंगे, तो 3 घंटे 12 मिनट इसका आंसर है। और इसका सोल्यूशन देख लो 15वें क्वेश्चन का। 12 आदमी काम को 4 घंटे में करते हैं, एक आदमी 4 × 12 यानी एक आदमी ज्यादा टाइम लेगा इसलिए गुणा कर रहे हम, और 15 आदमी कम टाइम लेंगे तो इसलिए बटे हो जाएंगे, तो 4 × 12 / 15 इसको काट के 16/5 घंटे आएगा, तो 16/5 घंटे में 3 घंटे तो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 5 × 3 = 15 और 1/5 घंटे यानी घंटे का 1/5 पांचवा भाग, तो वो पांचवा भाग होता है 12 मिनट, 12×5 = 60 होते हैं ना, तो इसलिए 3 घंटे 12 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद आपके पास 16वां क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए, ठीक है, और एक छात्र को 145 अंक मिले और वह 35 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर 145 नंबर लिए उसने, अगर उसके 35 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन वो फेल हो गया 35 नंबरों से, तो अधिकतम अंक यानी ज्यादा से ज्यादा कितने अंक थे टोटल, यानी सभी पेपरों के टोटल नंबर कितने थे, तो वो 500 अंक थे बच्चों, ठीक है। तो अब ये कैसे आया क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकतम अंक एक्स मान लिया हमने, ठीक है, तो एक्स के 36% अंक थे जो पास होने के लिए चाहिए थे, तो वो 145 तो उसके आगे थे, 35 नंबर और उसने चाहिए थे, तो ये आगे इतने नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए थे, तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व करके कुल अंक x यानी 500 अंक आगे, कितने आगे 500 अंक। फिर उसके बाद है 17वां क्वेश्चन। 144 रुपए में एक शर्ट बेचने पर एक व्यक्ति को अपने व्यय का 1/7 भाग का नुकसान होता है, यानी अगर कोई आदमी है वो 144 रुपए में कोई शर्ट बेचता है दुकान वाला, तो उसको 1/7 भाग का नुकसान हो जाता है, जितने की उसने खरीदी उसका 1/7 भाग का उसको नुकसान हो गया, यदि वो 189 में बेचा तो उसे कितना लाभ मिलेगा, तो इसका आंसर है बच्चों 12.5%, 12.5%, तो इसका आंसर देखें। क्रय मूल्य हमने x मान लिया, उसका हमने मान लिया कि उसने शर्ट जो है x रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य,
तो वो कह रहा कि इसका इसका सातवां भाग, एक बटे सात भाग जो है उसको नुकसान हो रहा, तो x में से x का एक बटे सात भाग निकाले तो वो उसने 144 रुपए में बेची, ठीक है, यानी जितने का उसने लिया उसमें से उसका हानि उसकी घटा दी तो वो उसका विक्रय मूल्य है 144 रुपए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये सात एक्स माइनस एक्स, सात एक्स माइनस एक्स, छह एक्स बचेगा और सात इसके गुणा हो गया इधर, तो यहां से एक्स का मान निकाल लेंगे। 168 रुपए में उसने वो टी शर्ट खरीदी थी और लाभ हो जाएगा। अगर 189 रुपए में वो बेचेगा 189 में, तो और इसमें इसने खरीदी तो उसको 21 रुपए का फायदा हो गया लाभ, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 21 बटे 168 गुणा 100। तो जब इसको काटते हैं बच्चों तो 12.5% आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लें। एक पेन को 48 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसका आंसर है 72 रुपए, विक्रय मूल्य 72, यानी 72 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा अगर उसको 20% का लाभ लेना है। तो इसका आंसर देख लो, पेन का विक्रय मूल्य है 48 रुपए, 20% की हानि होगी उसको, तो क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 60 रुपए, ठीक है, यानी 60 रुपए में उसने खरीदा, 48 में बेच दिया, तो इसलिए उसको 20% की हानि हुई। लेकिन उसको 20% का लाभ लेना है तो क्रय मूल्य है 60 रुपए, तो 60 रुपए पे 20% और उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 60 में 20% का मतलब 12 रुपए और जोड़ के 72 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, तब उसको 20% का लाभ मिलेगा, तो 72 इसका आंसर है, ठीक है। फिर आपके पास है 19वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो 19वें क्वेश्चन में देखो, आय और व्यय का अनुपात है 7:5, यानी किसी व्यक्ति में आय और व्यय, यानी 7 रुपए अगर उसके इनकम है, उसकी तनख्वाह है, तो 5 रुपए वो खर्च कर देता है, 2 रुपए वो बचाता है, ठीक। तो यदि आय 50% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय बढ़ गई 50% और व्यय 20% कम हो गया, तो उसकी प्रारंभिक आय 15,000 रुपए है, तो अंतिम बचत ज्ञात कीजिए, तो अंतिम बचत उसकी 19,500 होगी बच्चों, ठीक है। तो इसको देखो कैसे किया है 19वें क्वेश्चन का। आय और व्यय का अनुपात है 7:5, तो आय आय है और व्यय कह रहा है वो 15,000 रुपए, यानी 15,000 रुपए उसने खर्च करे, और आय हमें पता नहीं ये निकालनी है, तो आय को ऐसे ही लिख लिया, और इनका अनुपात है 7:5, तो यहां से आय निकाल लेंगे। आय कैसे निकालेंगे, ये 15,000 है बच्चों, 15,000 गुणा 7/5, तो 15,000 को जब 5 से भाग दे दिया इससे, तो 3,000 रह गए, 3,000 गुणा 7 21,000 रुपये उसकी आय है, 21,000 रुपये आय है, और 15,000 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो जब 5% उसकी आय, 50% उसकी आय बढ़ेगी, जब 50% बढ़ती है ना, जैसे 100 पे अगर 50% बढ़ रही तो 150 हो जाती है, ठीक है, 50 जमा 100 150, ऐसे ही 21,000 का आध यानी 10,500 रुपये और बढ़ गए, तो उसकी आय होगी 31,500, ठीक है, क्या होगी 31,500। फिर 20% कम उसका खर्चा हो गया, यानी कितना 15,000 रुपये खर्चा, तो पहले 15,000 का 20% यानी 3,000 रुपये और कम हो गया उसका खर्चा, तो 12,000 रुपये उसका खर्चा है, तो बचत हो जाएगी उसकी 31,500 में से 12,000 घटाएंगे तो 19,500 बचत आएगी उसकी, ठीक। फिर उसके बाद है आपके पास 20वां क्वेश्चन बच्चों। 5 केलों का लागत मूल्य 3 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालें, यानी 5 केले उतने के खरीद लेता है और जितने के 3 केले बेचता है, ठीक है,
जितने के तीन केले बेचता है ना उतने के वो पांच केले खरीद लेता है, यानी उसको दो केले का फायदा हो रहा। ठीक है, तो पांच केलों पे दो केलों का फायदा हो रहा है इसको। तो इसका आंसर देखिए, पांच केलों का लागत मूल्य तीन केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 5 - 3/3। तो ये आ जाएगा 2/3 × 100, 200/ यानी 66 सही 2/3 आपका आंसर आएगा, 66 सही 2/3 यानी सी भाग इसका आंसर है। फिर आगे आपका 21वां प्रश्न है, अमन 12% की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लेता है और 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 9,100 रुपये उधार लेता है, कितने वर्षों में उसकी धनराशियां बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 22 वर्ष आएगा इसका आंसर बच्चों, क्या आएगा 22 वर्ष। तो ये देखिए बेटे देखो इधर बच्चों, देखो एक्स वर्ष बाद हमने मान लिया कि एक्स साल बाद समान हो जाएंगे, तो एक्स साल बाद ये धनराशि और एक्स साल बाद ये भी धनराशि दोनों बराबर कर लिया हमने, यानी ये मूलधन है और इसमें ये ब्याज जोड़ दिया एक्स साल का, और यहाँ भी मूलधन है और ये ब्याज जोड़ दिया, तो दोनों बराबर होंगे, तो एक्स का मान निकालना तो 22 साल के बाद। ठीक, फिर उसके बाद है 22वां, किसी राशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज 210 रुपये होगा, तो वो किस राशि यानी मूलधन निकालना हमने, तो 2400 रुपये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये देखिए मूलधन होता है 100 × ब्याज / दर × समय, ये फार्मूला लगा के इसमें आपने ब्याज लिखना है 210, दर है 15/4, समय है 7/3, क्योंकि ये इनकी ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब ये 3 और 4 ऊपर चला जाता है, और इसको सॉल्व करके 2400 रुपये आ जाएगा बच्चों। ठीक, फिर उसके बाद है आपके पास 23वां क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो वो 26 मीटर है बच्चों। तो ये देख लीजिए कैसे आया, ये देखो यहां से चला ये 24 मीटर उत्तर में, फिर ये इधर गया। ठीक है, यानी पहले पूर्व गया फिर उत्तर में गया, तो हमने ये निकालना है, ये समकोण त्रिभुज बन गई, तो समकोण त्रिभुज में करण निकालना है, तो ये आ जाएगा करण 24 का वर्ग जमा 10 का वर्ग, ये होता है तो 676 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो फिर आगे आपके पास 24वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अधिकतम आवृत्ति, ये टेबल दे रखा, इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन से की है, तो ये ओ की है, और ओ की ये 12 है, तो 12 आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल था 12। फिर आपके पास है 25वां क्वेश्चन, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया कि सीढ़ी का पैर दीवार से 9 मीटर दूर है, तो ये कह रहा है कि सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई पर पहुंचती है, तो ये 12 मीटर आएगा आंसर। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये देखो ये दीवार है, ये सीढ़ी लग रही, और ये 9 मीटर दूर था उसका पैर, और ये सीढ़ी है 15 मीटर। अब ये देखिए करण देर ख्या आधार देर ख्या लंब निकालना है, तो इसमें आ जाएगा 15 का वर्ग - 9 का वर्ग, तो 225 - 81 144 का वर्ग मूल, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। फिर उसके बाद 26वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमने ए ओ डी यानी एक्स का ये निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इन सभी चारों कोणों का योग 360 है, कितना है 360, तो ये देखना आपने तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए ऐसे करना है, वैसे x जमा 50 जमा 90 जमा 70 यानी सभी का जोड़ बराबर 360 कर दिया, और यहां से x का मान निकालना है तो 150 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है आपके पास 120 पुरुषों की एक चौकी के पास 30 दिन
के लिए खाने का प्रबंध है, यानी पुलिस चौकी में है 120 आदमी, वो 30 दिन तक खाना खा सकते हैं जो उनके पास राशन पड़ा है, और 5 दिन के बाद 5 और व्यक्ति आ गए तो अब शेष कितने दिन चलेगा, तो 24 दिन। यानी पहले जो 30 दिन चल रहा था तो 30 दिन में से 5 दिन तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद 5 आदमी और आगे तो फिर एक दिन कम रह जाएगा, यानी 5 और 24 29 दिन ही चलेगा, वो 24 आ जाएगा इसमें। ये इसका आंसर देख लीजिए, देखे बच्चे 120 आदमी का खाना 30 दिन, 5 दिन बाद 120 आदमी का खाना 25 दिन चलना चाहिए, क्योंकि 5 दिन तो उनने खा लिया 30 में से, तो 25 दिन और चलना चाहिए, लेकिन एक आदमी के लिए वो कई दिन चलेगा, गुणा कर दी, फिर 5 दिन बाद 125 यानी 5 आदमी और रह गए, तो 125 दिन 125 व्यक्तियों के लिए चलेगा वो, काट कूट के 24 दिन चलेगा भाई और, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है सीता 100 पेज का दस्तावेज 9 घंटे में, मीता 6 घंटे में, रीता 12 घंटे में टाइप करती है, 100 पेज अलग अलग करते हैं, यदि वो सारे इकट्ठे करें तो इतना टाइम लेंगे, तो तीनों इकट्ठा लेंगे तो 36/13 आवर्स लेंगे, 36/13 घंटे में कर देंगे तो तीनों को जोड़ के ये आ जाएगा आपके पास 36/13, ठीक है। 1/9 जमा 1/6 जमा 1/12 को जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो ये आएगा 13/36 और घंटे आ जाएंगे 36/13, ठीक। फिर उसके बाद है आपके पास 29वां है, -1/20 है तो इसका मान आ जाएगा 1, क्योंकि -1/20 20 एक सम संख्या है, तो जब -1 सम संख्या होती है तो +1 हो जाता है, और 1 कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके फिर 20वां क्वेश्चन है, देखिए आपने ये एंगल निकालना है, ठीक है, AOC ये वाला कोण निकालना, तो इसके लिए हमें क्या कर रहा, ये इसको आगे बढ़ाया, इसको भी और इसको भी, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दिया, अब ये तीनों जो हैं लाइनें समांतर हैं एक दूसरे के, तो ये समांतर लाइन को काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी 30 और ये 30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 50 है 150 है, तो बाहर एक बाहर 30 रह जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है, ठीक। तो ये 30 है गया, ये 30 है गया, ऐसे ही इधर 120 है तो इधर 60, तो 60 और 60 ये, तो 30 और 60 ये 90 डिग्री का कोण आएगा आपके पास, आंसर इसका 90 है, ठीक है, तो ये आप कर लेना, तो ये आपके पास है सॉल्यूशन भी, समझ में आ गया होगा। फिर 6 पंप एक साथ काम करते हुए एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर देते हैं, यदि ऐसे 4 पंप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा, तो 6 पंप 28 मिनट में करते हैं तो 4 पंप, ठीक है, 42 मिनट में करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 4 पंप हैं, तो ये देखिए इसका आंसर, 6 पंप खाली करते हैं 28 मिनट में, 1 पंप ज्यादा टाइम लगाएगा, गुणा करके 4 पंप 4 से भाग हो जाएगा, 42 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है आपके पास है, ये त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सी 90 डिग्री है, एसी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी बताना है, तो इसमें देखिए आंसर, ये है ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कोण 90 डिग्री का दे रखा, और ये दे रखा है एसी 5 और बीसी भी 5 होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने ए बी निकालना है, तो ए बी आ जाएगा 5 का वर्ग जमा 5 का वर्ग, तो ये इसको सॉल्व करके 5√2 आएगा, 5√2 आंसर है 32 का डी भाग, ठीक। फिर उसके बाद है आपके पास एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 है और उसके विपरीत शीर्षों पर डाले गए लंबवत की लंबाई 6.8 और 9.6 है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है आपने, ठीक है, तो ये 246 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये देखो कैसे आया, ये समचतुर्भुज है,
इसका ये भी कारण है और ये लंब गिरा रखे, ठीक है। तो ये दो त्रिभुजें बन गई हैं बच्चों, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा एक बटे दो, एक बटे दो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का अलग निकाल लो क्योंकि ये धार और लंब दे रखे हैं। तो एक बटे दो गुणा तीस, तीस है एसी, गुणा 6.8 जमा एक बटे दो गुणा तीस गुणा ये, तो दोनों को सॉल्व करके 246 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर चौंतीस क्वेश्चन है 34। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 3.05 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर का मतलब होता है बच्चों 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर, ठीक है। तो ये कैसे करना है देखिए, 34वां क्वेश्चन। अब जो वर्ग होता है अगर उसमें विकर्ण दे रखे हो तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र है एक बटे दो गुणा विकर्ण बराबर 5000 उसका क्षेत्रफल दे रखा है। 0.5 हेक्टेयर का मतलब 5000 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग के, तो इसलिए d1² = ये आ जाएगा दो जो है इधर जाके 1000 हो गया, ठीक है, 10000 हो गया सॉरी। तो फिर d1 आ जाएगा आपके पास 100 मीटर, यानी उसका एक विकर्ण 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर 35वां क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बिछाने का लागत 6000 रुपए आता है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है, कमरे की चौड़ाई कितनी है ये निकालनी है, तो 8 मीटर आएगी चौड़ाई कमरे की। तो इसको देखिए कैसे किया है, ये कालीन की लंबाई है, कालीन की लंबाई निकालनी हमने, तो जो 6000 रुपए खर्च आया उसको 50 से और 75 से भाग दे दिया, तो 160 मीटर लंबी आएगी काली, ठीक है, कालीन की लंबाई कितनी आएगी 160 मीटर, ठीक। अब कमरे की चौड़ाई निकालेंगे, तो जो कालीन की चौड़ाई है 75 गुणा 160 उसकी लंबाई है, उसको हमने किससे भाग दिया, 100 से क्यों दिया, क्योंकि इसके ये सेंटीमीटर में थे मीटर बनाए, और 15 से भाग दे दिया, तो 8 मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। फिर आया आपके पास 36वां क्वेश्चन, सपना हर महीने 24000 रुपये कमाती है और वह 7/8 भाग खर्च करती है, 7/8 भाग खर्च करती है, शेष राशि को बैंक में जमा करती है, वह हर महीने बैंक में कितना धन जमा करती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 24000 का 1/8 भाग निकालना है, तो 3000 रुपये आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास, देखो 24000 रुपये आए हैं और उसने खर्च कर दिए 21000 रुपये, यानी 24000 का 7/8 भाग, तो 24000 में से 21000 घटा दो, 3000 रुपये उसके बचत हैं जो बैंक में जमा करती है वो। फिर उसके बाद है आपके पास 37वां क्वेश्चन, रोहित को एक गोलाकार पार्क का पूरा चक्कर लगाने में 4/5 मिनट लगते हैं और 15 चक्कर में कितना समय लगेगा, एक चक्कर में तो 4 घंटे और 4/5 मिनट लग रहे, तो नहीं 4 मिनट का और 4/5 आगे हो, ठीक है, मिनट लग रहे हैं, तो 15 चक्कर में 1 घंटे 12 मिनट में पूरा करेगा वो, तो वो देखिए कैसे आया आंसर, एक चक्कर में कितने मिनट लग रहे, 4/5, तो इसको 4/5 को हम लिख सकते हैं 24/5, और 15 चक्कर में गुणा 15 कर दिया, तो ये 24 × 3 72 मिनट, 72 मिनट में 60 मिनट का तो 1 घंटा हो गया, 12 मिनट और बच गए, तो 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। फिर है इसके बाद, एक कार 66/2/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 9 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी होती है चाल गुना समय, तो इस चाल को 9 से गुणा करना है आपने, तो आपके पास आ जाएगी चाल गुना समय
ये थोड़ा 200/3 66 सही, 2/3 को आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे बच्चों? 200/3 और 9 घंटे है गुना 9, इसको काट के 600 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। फिर उसके बाद है 39 क्वेश्चन, सोनी ने सीमेंट के कुछ बैग खरीदे, प्रत्येक बैग में इतना किलोग्राम वजन है, यदि उसने कुल इतने किलोग्राम वजन के बैग खरीदे कुल, तो कितने बैग खरीदे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे भाग दे देंगे तो 36 बैग आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए बैगों की संख्या आ जाएगी, कुल वजन बटे एक बैग का वजन, तो 36 बैग, इसके दशमलव से दशमलव ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे भाग देना 36 आ जाएगा। फिर आपके पास 40वां क्वेश्चन है, एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर जाती है, तो एक लीटर में कितनी दूर जाएगी वो, तो इसको इससे भाग दे दो, ठीक है। तो इसका आंसर है आपके पास 9.5 किलोमीटर बी भाग है, तो ये देख लीजिए इतने लीटर में इतने किलोमीटर, एक लीटर में इसको इससे भाग देना, तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है। कहीं क्वेश्चन तो आसान है। फिर उसके बाद आपके पास 41वां क्वेश्चन है, 12 मजदूर 5 घंटे में एक सड़क बनाते हैं, तो उसी सड़क को 40 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 15 मजदूर लगेंगे भाई, तो ये देख लो कैसे, 50 घंटे में 12 मजदूर बनाते हैं, एक घंटे में बनाएंगे 12 × 50, और 40 घंटे में बनाएंगे 40 से भाग दे के 15, ठीक है। फिर उसके बाद है 42वां क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं, तो सम चतुर्भुज के अगर विकर्ण दे रखे हो तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, दोनों विकर्णों को गुणा करें और 2 से भाग दे दें, तो 10 × 12/2 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आंसर, 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण, 10 × 12/2 60, ठीक है, सेंटीमीटर आएगा, ये स्केयर नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास 43 क्वेश्चन, एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 8 मीटर लंबी बनती है, उसी समय एक खंभे की छाया 40 मीटर लंबी बनती है, तो ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो ये अनुपात और समानुपात के उससे आएगा, तो ये 15 मीटर आंसर आएगा बच्चों। तो इसका देखिए आंसर, 8 मीटर छाया बनाता है 6 मीटर खंभा, 1 मीटर छाया 6/8, ठीक है, और 20 मीटर वाला खंभा 6/8 × 20 यानी 15 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 3, 4, 5 अनुपात है और परिमाप 72 है, तो प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी, तो 72 में 3, 4 और 5 इन तीनों को जोड़ेंगे पहले, 3 × 4 × 5 कितने होते हैं, 7 और 5 = 12, ठीक है। इसका देखिए परिमाप है 72 सेंटीमीटर, भुजाएं आ जाएंगी 3 × 12 × 72, 1 × 4/12 × 72, 1 × 5/12 × 72, तो ये आ जाएंगी 18, 24, 30, इन तीनों को जोड़ के 72 आना चाहिए, तो ये 18, 24, 30 जो है जिस भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन है डी, ठीक है। फिर है 45वां क्वेश्चन है, यदि किसी घन का सतह क्षेत्रफल 96 वर्ग इकाई है, तो उसका आयतन कितना होगा, तो उसका आयतन होगा बच्चों 64 घन इकाई या क्यूबिक यूनिट, तो इसका आंसर देख लो, घन की भुजा है ए, तो घन का क्षेत्रफल दे रखा 96, तो घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² = 96, तो यहां से a का मान निकालेंगे, a स्क्वायर 16 आ गया, तो a आ गया 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। अब इसका आयतन निकालो, 4 × 4 × 4 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर 46वां क्वेश्चन है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के माप का योग 1080 है, तो उसकी भुजाएं बतानी, तो इसमें क्या है बच्चों, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, इसका आंसर है। तो इसका आंसर देखो कैसे निकाला,
आंतरिक कोणों का माप होता है 1080 दीर्घ्या, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी बच्चों, जो भी आंतरिक कोणों का टोटल योग दीर्घ्या होगा उसको 180 से भाग देना और 2 जमा करना। तो 1080 को 180 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा और इसमें 2 और जोड़ के 8 भुजाएं आएंगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया 47वां क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर है 3/2, तो संख्या आएगी -1/2 आएगी बच्चों, ठीक है। इसको देखिए, ये संख्या है x और उसका व्युत्क्रम है 1/x, उनका अंतर 3/2 है, तो यहां से हम 2x नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 2x2, ठीक है, -2 और 3x। तो इसको सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो 2 आएगी, एक -1/2, तो हमारे पास ऑप्शन में -1/2 दे रखा, इसलिए यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है 17 और एक भुजा 8 है, तो दूसरी भुजा की लंबाई निकालें तो वो आ जाएगी 15, ठीक है। ये कैसे आएगी 48वें क्वेश्चन में देखिए, तो दूसरी भुजा आएगी 17 का वर्ग -8 का वर्ग, तो 17 का वर्ग होता है 289 -464, तो 225 का वर्गमूल 15 आता है, ठीक है। तो 48वां क्वेश्चन हो गया ये, तो ये भाग है इसका। 49वां क्वेश्चन है 49, एक सम षटभुज के कोण 720 है, आंतरिक कोण, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, 720 को हमने 6 से भाग देना है तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देर क्या है, देखिए 720 को 6 से भाग दे दिया, 120 आ गया। फिर है 20वां क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल 34,000 रुपए थी और इस साल 20% बढ़ गई, तो अब कितनी होगी, तो वो 40,800 रुपए की होगी बच्चों। अब तो ये देख लीजिए कैसे निकाला, मोटरसाइकिल की कीमत 34,000 और 34,000 का 20% और जुड़ गया, तो 34,000 जमा 6,800 रुपए और जुड़ गए, 34,000 का 20% 6,800 रुपए, तो 40,800 रुपए आपकी कीमत होगी, या नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसमें 50 ही क्वेश्चन थे, तो ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है बच्चों, आशा है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।